ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೂಬಾ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ನಕೇಳಿಯ ನೂರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಟೀಕಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇ ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಖಂಡ್ರೆ ಕಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಬೀದರ್ನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ कांग्रेस पक्ष अभ्यर्थि सागर खंड्रे मतनाडी बीदर जिले अभिवृद्धि के प्रामाणिकवागी केलस निर्वहिसुत्तेने अंदरु दक्षिण क्षेत्र माजी शासक अशोक हेणी पौराडळित सचिव रहीम खाना अरविंद कुमार अरळी बसवराज जाबशेट्टि मीनाक्षी संग्रह सेरिदंते पक्ष प्रमुखरु कार्यकर्तरु उपस्थितरिद्दरु श्रीमंतराव इंचूरे एनकेएस टीवी को बीदर उन्होंने बोला किसानों का आमदनी दुगना करेंगे क्या किसानों का आमदनी दुगना हुआ बीजेपी बोली थी महंगाई कम करेंगे पेट्रोल का भाव कम होगा गैस सिलेंडर का भाव कम होगा क्या गैस सिलेंडर का भाव कम होगा 400 था मनमोहन सिंह रह जा 1000 हो गया कि नहीं मैंने बोला हजार आ गया था गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया डीजल का भाव बढ़ गया जीवनावश्यक वस्तुओं का भाव बढ़ गया आप विचार करें ये लोग कहते गरीबों को मकान पक्का मकान बना के देंगे 2022 तक कोई भी झोपड़े में नहीं रहेगा झोपड़ी मुक्त पक्का मकान बनेगा क्या होगा हमारे बीदर साउथ में बीदर जिले में सांसद होंगे कितने मकान मंजूर करवाए भाई कितने बेघर लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए हिसाब किताब पूछना ना पूरा बीदर जिले के लोगों को उत्तर चाहिए ये सोलार पार्क बना दो तो के बोले सोलार पार्क बन गया क्या अरे सोलार पार्क तो हम पावर में बनाए कोपर में बनाए एक कुछ नहीं बनाया सिर्फ जो ना इधर से उधर उधर से इधर सिपेट कॉलेज बना दो तो बोले पेट्रोकेमिकल का जो ना तकनीकी तांत्रिक कॉलेज है जिससे कि हमारे युवकों को कौशल तरबियत मिल सकता है उद्योग मिल सकता है मुख्यमंत्री बम्बई रहते बीजेपी सरकार में वो आके उसका शंकुस्थापना भी करे क्या वो कॉलेज प्रारंभ हुआ क्या भैया इतने झूठ बोलते शर्म आता है किसको देखो बेशर्म